एलटी फूड के बारे में सवाल है मोहित यादव जी का, ये जानना चाहते हैं एलटी फूड पर आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए कैसा है। पहली चीज़ मोहित, इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म व्यू लेना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर है। कब एक्सपोर्ट पे बैन लग जाएगा, कब प्राइस पे कैप लग जाएगा, कब होर्डिंग का इशू निकल जाएगा, ये कॉल लेना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जिन लोगों से मैं बात करके समझने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि आज के तारीख में जो गवर्नमेंट जिस रेट पे राइस अवेलेबल करा रही है, इवन जो फूड फॉर पुअर स्कीम में है, उसके हिसाब से इवन राइस का बिजनेस अगर जेन्युइनली किया जाए तो वो प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा आपको, बिकॉज वो ज़्यादा आपका कॉस्ट जो पैडी से आप राइस में कन्वर्ट करते हैं उसका कॉस्ट इज़ हायर देन द प्राइस जिस पे एक्चुअली अवेलेबल है राइस, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर बात करेंगे प्रीमियम बासमती वो सब राइस की, तो फिर वो सब मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं। अब उसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रोल प्ले करते हैं, लेकिन ओवर टाइम देखा गया है यही है कि एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, तो अब कैसा कौन रिस्क लेता है वो उस पर डिपेंड करता है, बट ये सेक्टर पे लॉन्ग टर्म व्यू लेना पॉसिबल नहीं है, ये पहली चीज़ है। अब एलटी फूड्स दिख कैसा रहा है ये बता देता हूँ। एलटी फूड्स अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है, और ये जब तक 235 के नीचे क्लोज नहीं होना शुरू कर दे, या टू बी ऑन द सेफर साइड 230 आपको जो ठीक लगता है, 235 मुझे पहला ही लगता है इससे नीचे क्लोज नहीं हो, लेकिन मार्जिन दो भी इसको में तो 230 उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, इसकी रैली और भी पॉसिबल है। कहाँ तक बहुत क्लैरिटी तो नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी अगर इसको लिया जाए तो करीब करीब 300 के तरफ तो चांसेस हो सकता है इसका धीरे धीरे बढ़ने का, लेकिन की है 230। तो अगर ये यहाँ से 300 तक भी जाने की क्षमता रखता है तो 10% से ज्यादा की 40 में बची हुई है। नहीं, उससे ज्यादा फिलहाल तो नहीं लगता रहे जी, और वो भी जब तक 230 सिक्योर्ड है तब जी। तो फिलहाल इसमें जैसा सुमित समझा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना उतना अच्छा नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म व्यू या एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाहें तो फिर उसके लिए आपको लेवल्स का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और सबसे पहले एक चीज़ ये दोहरा देना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है शेयरों के बारे में, इसे आप एक इनपुट की तरह से समझें, मतलब वो आपके लिए जैसे अलग अलग तरह से आप सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, उसमें एक सोर्स की बातचीत भी है, उसके आगे आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, अपनी खोजबीन करके अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। तो ये नहीं कि यहाँ पे जो बात कह दी गई बस उसी को एक ब्रह्म वाक्य की तरह से समझना है।